कैबेज की सब्जी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, दीपा अमीन फूड एंड लाइफ में आपका स्वागत है। हम सब अपने अपने घर में सारा सब्जी बनाते ऐसा नहीं, लेकिन सबके घर में अलग अलग सब्जी बनाते। वैसा आप कैसा बनाते हैं उससे अलग थोड़ी सी मेरी अलग सब्जी हो सकती है, या तो और किसी के घर में और अलग सब्जी हो सकती है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैबेज का सब्जी कैसा बनाती हूँ। ये कैबेज है और ये थोड़ा सा मिर्ची है, थोड़ा सा तड़का के लिए राई है, हल्दी है और कड़ी पत्ता है और थोड़ा सा नारियल और थोड़ा सा धनिया पत्ता और नमक। ये सब्जी जो कांदा लहसुन नहीं खाता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और जो खाता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैबेज को कैसा काटना है और कैसा उसको बनाना है। अभी मैंने कैबेज के ऐसे पीस करके लिए, और ये पोटैटो पेपर का है ना वो, तो इसे हम घिसने के अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभं। हाँ, ऐसा काम करने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा गाना गाएंगे ना तो अपना काम भी जल्दी होता है, खाना भी टेस्टी बनता है, टायर्ड भी नहीं होता है, टाइम पास भी होता है। देखा, देखिए मैंने गाना गाते गाते कितना मस्त कैबेज को कट किया। चाकू से कट करने को बहुत टाइम लगेगा और ऐसा कट करने के लिए मस्त हो जाएगा, देखिए है ना। अभी हम इसका सब्जी बनाते, चलिए बहुत हो गया अभी कट और गाना है ना। वैसा तो खाना और गाने का बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे हम होटल में जाते हैं, कोई कोई होटल में देखिए खाते खाते उन गजल भी उधर रहता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ में खाना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल हमने ये कढ़ाई रख दिए है और अभी हम खाना बनाएंगे, गाना नहीं गाएंगे, खाना बनाएंगे। तो अभी हम ये डाल दिया तेल। हाँ, देखिए तेल गर्म होने तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर करना। कढ़ाई गर्म हो गया, कड़ी पत्ता डाल दिया। हाँ, कड़ी पत्ता हो गया, मिर्चा डाल दिया। सिंपल भाजी है, सिंपल है और बहुत अच्छी है, एकदम टेस्टी बन जाती है, एकदम टेस्टी। मिर्चा हो गया, इससे का आवाज ही आ रहे है मेरा गाने का म्यूजिक जैसा। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का, खाना खिलाने का बहुत शौक है, और खाना नया नया खाने का। और ये तो मैं भूल ही गई, बात करते करते नमक बिना नमक का तो कुछ भी नहीं, जीवन में कोई स्वाद ही नहीं। और ये हल्दी, ये हम सब इसके अंदर ही डालना है क्योंकि वो अच्छा से कैबेज को लगना चाहिए। देखिए मस्त कलर आया ना, दिख रहा है ना कलर। अब इसके अंदर हम डालेंगे कैबेज।
दूंगी कैरेट को, अच्छे से सब मिक्स कर देने का पूरा, हाँ, और बिल्कुल ढक्के भी नहीं पकाने का उसको, बिल्कुल थोड़ा सा ये पानी छोड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा सुखाने का, बस इतना ही पकाने का, ज़्यादा पकाने का नहीं, ऐसा आपको सलाद के जैसा ही वो लगना चाहिए, हाँ। बिका चुने हैं और अब पानी छोड़ के वो सूखने दो, बिका चुने, देखिए बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं पकाने का, मैं तो ऐसे ही वीडियो चालू रखती, बट वो बहुत बड़ा वीडियो होता है ना, फिर बोर हो जाएंगे आप लोग, है ना। ये क्या है, नारियल है, नारियल, हाँ, ये लास्ट में नारियल डालने का है। आप अगर नहीं डालना चाहते हो, नारियल नहीं खाते हो, तो नहीं भी डाल सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना नारियल डाल के, बचा हुआ डाला थोड़ा सा, ठीक है। अभी धनिया पत्ता फ्रेश फ्रेश, हाँ, बाप रे, धनिया पत्ता मिक्स कर दो, नहीं तो वो खाली धनिया पत्ता का सब्जी लगेगा। आप बताए भाई कैसा बन गया ये सब्जी, फटाफट बनती है, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।